हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ़ से नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आज मेरे पास एक LG का TV आया है, या उसका मदरबोर्ड किट है। इसमें फॉल्ट ये है कि इसका जो रेडी है ये वाला, वो ब्लिंक करता है। सप्लाई बनता है लेकिन प्रॉपर ऑन नहीं हो पाता। टीवी इसका जो 10 वोल्ट है वो कम ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको कि कौन सा फॉल्ट है। इसका फॉल्ट पहले से मैं टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा वीडियो कभी कभी आता है कि फॉल्ट है, तो मैं यूट्यूब में डालने के लिए बनाऊँ। मैं यूट्यूब में इसके बारे में सर्च करके देखा तो इसके रिलेटेड कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला। सब था वो अलग अलग था, लेकिन ये फॉल्ट कुछ अलग है। तो आज हम आपको इसके फॉल्ट के बारे में बताएंगे कि कहाँ से फॉल्ट है। ये इसमें इधर यहाँ बहुत गंदगी था इसके अंदर में, ये हीट सिंक इसकी गंदगी था। इसमें रेजिस्टेंस वगैरह भी ख़राब था, उसको मैं सबको चेक चेंज किया था। आपको दिखा देता हूँ पलट कर किट को। देखिए यहाँ पे कंडेंसर वगैरह रेजिस्टेंस नीचे है, पूरा बहुत सारा सामान बदल के देखा है। इसका कंपोनेंट फिर भी समस्या सेम का सेम था, वही का वही था। अभी हम आपको दिखाते हैं टीवी ऑन करके एक बार किट को। यहाँ पे मैं डालता हूँ उसको प्लग पे। यहाँ देखो, देखिए यहाँ देखिए ब्लिंक कर रहेगा। अब सप्लाई जो है छोड़ छोड़ के आ जाएगी। अब यहाँ मीटर में भी मैं चेक करा देता हूँ उसका वोल्टेज, आउटपुट का वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, मतलब अप डाउन। समस्या इसका यही है। इसका इधर का सब आउटपुट में सब ठीक है, इधर इधर इसका इनपुट में ही समस्या है। तो हम आपको बताएंगे कि इसका समस्या कहाँ पे है। तो मैं आपको सप्लाई का वोल्टेज चेक कराता हूँ। पकड़ से तो मैं आपको वोल्टेज चेक करता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा एसी वोल्ट है, एसी वोल्ट यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए एसी वोल्ट मीटर में 221 वोल्ट आ रहा है मीटर में। अब जस्ट यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ हम कंडेंसर में देखते हैं पहले। मेन कंडेंसर में डीसी वोल्ट करके 1000 में रीडिंग होते हैं। यहाँ पे देखिए यह है माइनस इसका, ये प्लस। देखिए यहाँ पे वोल्टेज कम है, यहाँ पे समथिंग 300, 330, 350 के आसपास होना चाहिए वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो इसका समस्या मैं आपको बताता हूँ कि फिर एसी में जाता हूँ। और यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे अपना कॉइल लगा हुआ है, यहाँ भी 200 के ऊपर आ रहा है वोल्टेज, 247, 46। यहाँ पे भी ठीक है। अब यहाँ से अपना इधर गया है, इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी ठीक है। जस्ट इसके सामने यहाँ पे है दोस्तों इसका फॉल्ट। देखिए यहाँ का वोल्टेज आ रहा है, यहाँ फ्रैक्चर हो रहा है। तो इसका समस्या क्या है आपको दिखाता हूँ टीवी बंद करके। फिर लाइन बंद किया मैंने, चार्जर होता है। तो समस्या यहाँ पे है, इसका वोल्टेज यहाँ अप डाउन हो रहा है। तो दिखाता हूँ इसको प्लग करके कि पुराना किट है ये। यहाँ ये वाला रजिस्टर है, बहुत गर्म हो रहा है ये वाला। 7 वाट का है, 2.7K का। समस्या इसी में है, इसको हम शॉर्ट करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, हीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये पहले के टीवी में आता था, अब तो नहीं आता है, ऐसा दूसरा आता है। तो दोस्तों इसका समस्या वही उसी रजिस्टर का है जो वाइट कलर का है, 5 वाट का है, 7 वाट का, सॉरी 7 वाट का है। तो हम इसको एक जम्पर लगा के इसको शॉर्ट करेंगे यहाँ पे। ये हमने जम्पर लगा दिया, ये होगा जम्पर। अब हम आपको
चेक कराएंगे दोस्तों, लगाता हूँ इसी में लाइन। ये हुआ लाइट, देखिए दोस्तों अब ये चालू होगा टीवी। अब लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। आपको वोल्टेज भी चेक कराता हूँ, ये अपना एसी वोल्टा है, देखिए ये एसी वोल्टा है। यहाँ पे भी 249 के पास आ रहा है, 249। अब यहाँ पे भी वही है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी है, और जस्ट इसके सामने नहीं आ रहा था वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए अभी पूरा वोल्टेज आ गया प्रॉपर। आपको कैपेसिटर में भी दिखाता हूँ, डीसी वोल्टेज नाप करके देखिए दोस्तों, 350 के लगभग आ रहा है वोल्टेज, 3.4। हमारा जो टीवी है वो ओके हो गया, टीवी भी ऑन हो गया। अब इधर भी वोल्टेज है 110 वोल्ट, यहाँ भी प्रॉपर वोल्टेज आना है, एकदम फिक्स है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 180 वोल्ट भी, यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, वर्टिकल वाला भी बन रहा है। तो देखिए दोस्तों छोटा सा फॉल्ट था, लेकिन मुझे बहुत परेशान किया किट ने, बहुत परेशान किया। अंतिम में जाकर फिर इसको सफलता मिली इसमें। तो दोस्तों आप कभी भी कुछ काम करते हैं तो उसको लगन से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो बिल्कुल बनता है, और हार मानेंगे तो नहीं बनता है। मैं इस टीवी में लगा था, मेहनत किया तो टीवी में ऑन हो गया। तो दोस्तों हमारे वीडियो को इसी तरह देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद।